हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहित हेल्थ शो। तो आज हम बात करेंगे पीएसएम से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। तो हम डायरेक्टली बात करेंगे, ठीक है। अगर डिस्कशन करते हैं ना तो लंबा हो जाएगा पूरा वीडियो, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर आपको रीड कर देता हूँ, ठीक है। तो दिसंबर 2019 के एमसीक्यू की बात करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल गिवन वाई, आंसर है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, यूनिसेफ हमें से याद रखना है चाइल्ड के लिए है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। थर्ड क्वेश्चन है एंथ्राकोसिस कोल पार्टिकल, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर है मॉडिफाइड कुप्पू स्वामी स्केल। तो इसमें हमें याद रखना है, पहला ऑप्शन क्या है, एजुकेशन ऑफ हेड, ऑक्यूपेशन, फैमिली ऑफ इनकम। सेकेंड में क्या दिया है, एजुकेशन ऑफ हेड, फैमिली नंबर दिया है, ठीक है। और इसके दो ऑप्शन और हैं यहाँ पे, देखो, एजुकेशन ऑफ फैमिली, लाइव स्टॉक्स दिया है। तो हमें ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इसका राइट आंसर है एजुकेशन ऑफ हेड, देन ऑक्यूपेशन, उसके बाद फैमिली इनकम, ओके। डिटेल डिस्कशन का मैं वीडियो एक साथ नोट्स के साथ मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके, ये हमें याद रखना है अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर सिक्स है यहाँ पे, ऑल आर डिस्पर्शन एक्सेप्ट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, रेंज सब है, मीन नहीं है, ठीक है, याद रखना है मीन। क्वेश्चन नंबर सेवन, इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन विद 100% मोर्टेलिटी। तो इंसिडेंस हाई होगा तभी हो सकता है और प्रीवलेंस लो हो। इंसिडेंस का मतलब न्यू केस, प्रीवलेंस मतलब ओल्ड प्लस न्यू केस। क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं, ऑल आर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ओपीवी एक्सेप्ट, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में यस, मैलिग्नेंसी यस, ल्यूकेमिया यस, डायरिया में हम नहीं दे सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं, काला अजार कैन बी सीन अप टू मैक्सिमम एल्टीट्यूड। काला अजार हमें 600 मीटर तक दिखता है, कितना, 600, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं, उसके ऑल डिजीज आर कॉज्ड बाय दिस वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर में पहचाना आना चाहिए कौन सा है, ठीक है। तो ये चागास डिजीज करता है, क्या करता है, चागास डिजीज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, रेडोविड बग क्या करता है, चागास डिजीज करता है, ठीक है, चागास। उसके बाद ये क्वेश्चन सेम ही था, ठीक है, रेडोविड बग क्या करता है, ये रेडोविड बग है या इस टाइप से भी क्वेश्चन था, तो कन्फ्यूजन था, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन एपिडेमिक इन अकरिंग एवरी 5 to 10 ईयर टू सम वैक्सीनेशन गिवन सम कीमोप्रोफाइलेक्सिस, व्हाट टू डू नेक्स्ट, दोज हु हैड नॉट रिसीव नाइदर वैक्सीन नॉर कीमोप्रोफाइलेक्सिस, ठीक है। तो ऑप्शन में हमें क्या क्या मिला था, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं इनके अच्छे से, ठीक है। ऑप्शन में है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, रिहेबिलिटेशन। तो आंसर है अर्ली डायग्नोसिस करना है और ट्रीटमेंट हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, ARI, एनुअल रेट ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। तो ये हम ट्यूबरक्यूलिन, इसमें नेगेटिव होता है 2, ट्यूबरक्यूलिन पॉजिटिव केस, ठीक है। ARI का मतलब ट्यूबरक्यूलिन नेगेटिव टू ट्यूबरक्यूलिन पॉजिटिव, ठीक है, डेफिनेशन है ये। कॉपलिक स्पॉट, वेरी फेमस क्वेश्चन, मीजल्स हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, ये बहुत बार पूछा हुआ है, SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एंसेफलाइटिस सीन, मीजल्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, 3 मंथ का बच्चा है विद रेस्पिरेटरी रेट 60 है, स्टेज ऑफ निमोनिया, ठीक है, नो निमोनिया, निमोनिया, सीवियर निमोनिया, वेरी सीवियर। तो हमें याद रखना है निमोनिया है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे 60 है और 3 मंथ है। इसकी ग्रेडिंग है वो हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 9 kg चाइल्ड विद डायरिया विद एक्सेसिव थर्स्ट स्किन पिंच विद इन 4 सेकेंड, ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो हम इसको 9 kg का बच्चा है, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे ORS देंगे हम, ठीक है, वेट के हिसाब से, तो 400 to 7 ml ORS हम उसको देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, विजन 2020, ओके, बिस्ट डिजीज
वाज एडेड रिसेंटली फॉर इंडिया, तो बीजन 2020 में क्या एडेड हुआ है? ग्लूकोमा ऐड हुआ है, ये हमें याद रखना है। पहले से कैटरेक्ट था, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस थी और रिफ्रैक्टिव एरर था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ए पर्सन विद 6x60 विजन इन राइट आई, 3x60 इन लेफ्ट आई टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस, तो 6x60 या 3x60 तो लो विजन में आता है, ये हमें याद रखना है। इसका एक चार्ट है WHO का, वो दिया हुआ है, वो हमें पढ़ना है पूरा, ठीक है। 21 पे आते हैं। जो यूरिनरी कैथेटर कैनूला होता है वो किस बैग में जाएगा? तो जो भी कैनूला प्लास्टिक मतलब रेड होता है, रेड का मतलब लचीला, ठीक है, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इन डिजास्टर हेल्थ वर्कर इन सेग्रीगेटिंग, ठीक है, पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल, इट्स, ये हमें याद रखना है, ट्राइज होता है, क्या? ट्राइज। क्वेश्चन नंबर 23 टारगेट कपल हम कब बोलेंगे? ऑल मेरिट कपल नहीं, ऑल मेरिट कपल विद एज ऑफ वाइफ 15 to 14, नो, कपल विद चिल्ड्रेन। टारगेट कपल हम उनको बोलते हैं जो भी कपल होते हैं चिल्ड्रेन के साथ, 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, उन्हीं को हम फिर कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह का प्लान बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, N95 रेस्पिरेटर प्रोटेक्टिव 4, ये एरोसेल से रिलेटेड है, N95 मास्क के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 25 मैरिड कपल है, शादी हो चुके, हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी फॉर 2 ईयर, वो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं 2 साल के लिए, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, याद रखना, जिसकी भी अगर शादी हुई है मैरिड कपल के लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव ऑलवेज OCP, ओके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे बात करते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ IUCD, एब्सोल्यूट यहाँ पे पूछा है, ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ IUCD, तो एक्यूट PID, ठीक है, ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, याद रखना है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ओके। और बाकी जो थे यहाँ पे जितने भी हैं ना, रिलेटिव हैं सारे, RR मतलब रिलेटिव, नली ग्रेविडा, एनीमिया और डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, स्पर्मिसाइडल जेल कंटेन, स्पर्मिसाइडल में क्या होता है? नॉन ऑक्सीनोल 9 होता है, नॉन ऑक्सीनोल 9। उसके बाद 28 पे आते हैं, ए पर्सन गोइंग इन मलेरिया एंडेमिक एरिया कीमो प्रोफाइलेक्सिस, अगर तुम कोई भी मलेरिया, एंडेमिक का मतलब होता है वो बीमारी उस एरिया में ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो कौन सा कीमो प्रोफाइलेक्सिस दोगे? हम उसे क्लोरोक्वीन देते हैं, क्या देते हैं? क्लोरोक्वीन। वैलिडिटी ऑफ येलो फीवर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होती है, और वैक्सी जो सर्टिफिकेट है वो 10 डेज के बाद मतलब स्टार्ट होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, यंग लेडीज हैड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस 96 बिफोर, बेस्ट मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, याद रखना 96 हुआ है, 96, ठीक है, तो यहाँ पे हम IUCD करेंगे, ठीक है, क्योंकि 72 आवर के बाद अगर होता है तो IUCD इज़ द बेस्ट, ओके, यह याद रखना है हमें। ए पर्सन इज़ डायग्नोज विद HIV एंड TB साइमल्टेनियसली, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, कोई भी मरीज है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि HIV हुआ और TB हुआ, तो हम उसको कैसे मैनेजमेंट प्रोटोकॉल करें? तो फर्स्ट हम क्या देंगे उसको? ATT देते हैं, उसके बाद हम ART देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, 37 भी एक प्रेग्नेंट लेडी विद HBS एंटीजन पॉजिटिव है, हाउ टू डील विद न्यू बॉर्न, तो 37 भी एक प्रेग्नेंट लेडीज है, HBS एंटीजन पॉजिटिव है, तो हम उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देंगे, ठीक है, एंड हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन भी देंगे, ठीक है, IG। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन DBT, ठीक है, DBT में क्या नहीं देना है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं देनी, OCP। 34 पे आते हैं, इन मैनिंगोकोकल एंडेमिक एरिया BR गिविंग वैक्सीन एंड कीमोप्रोफाइलेक्सिस टू हेल्थी पॉपुलेशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, हम जहाँ पे भी मैनिंगोकोकल एंडेमिक एरिया है, ठीक है, वहाँ पे हम कीमोप्रोफाइलेक्सिस के तौर पे हम दे रहे हैं, तो ये बोलेंगे प्राइमरी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। 35 पे आते हैं, 35 ऑन रिपब्लिक डे इन हेल्थी कैम्प पीपल आर स्क्रीन फॉर हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलिटस, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, स्क्रीनिंग वर्ड आ जाए ना तो हमेशा आंसर सेकेंडरी मानना, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस। 36 पे आते हैं, ए हेल्थ वर्कर इज़ डूइंग सर्वे इन कम्युनिटी फॉर विटामिन ए डेफिशिएंसी मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर, सेंसिटिव इंडिकेटर क्या होगा? सीरम रेटिनॉल लेस देन 10 mcg पर परसेंटेज,
क्वेश्चन नंबर 37, वाइल डूइंग सर्वे इन स्कूल चिल्ड्रन फॉर विटामिन ए डेफिशिएंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन, विटामिन ए डेफिशिएंसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ये कंट्रोवर्शियल है, आंसर इज बी टॉट स्पॉट, याद रखना ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्वेश्चन नंबर 38, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो आंसर क्या हुआ इसका, ग्रीन हाउस गैसेस, क्या हुआ ग्रीन हाउस गैसेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर माइक्रोफाइलेरिया ठीक है, तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक कौन सा है, MFT मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 40, कार्डियो प्रोटेक्टिव HDL क्या होता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, LDL इज लो डेंसिटी, BLDL वेरी लो डेंसिटी ठीक है। उसके बाद 41 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केसान डिजीज जिंक की डेफिशिएंसी से नहीं है, सेलेनियम इसका आंसर है, जिंक से एक्रोडर्मेटाइटिस एंटरोपैथी का है, सेलेनियम है और ये हेलिंगजोजियान एक प्रोविनेंस है चाइना में, वहाँ से हुई थी ठीक है, केसान डिजीज ओके। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर है 42, कंपोजिशन ऑफ कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रूडेंट डाइट, प्रूडेंट डाइट में क्या होना चाहिए ठीक है, फैट एनर्जी लेस देन 30, यस पहला वाला ऑप्शन राइट आंसर है, प्रोटीन एनर्जी लेस देन 10, कैलोरी इंटेक लैक ऑल नहीं, याद रखना है हमेशा प्रूडेंट डाइट के लिए फैट एनर्जी लेस देन 30% ओके। क्वेश्चन नंबर कैलोरी गिवन बाई 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी मिलती है ओके, ये रिमेंबर करना है, नॉट कैलोरी किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी ओके। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, इन डेमोग्राफी कंप्लीट फैमिली साइज डिपेंड ऑन ठीक है, डेमोग्राफी में कंप्लीट फैमिली साइज किस पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे, किस पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, प्रेजेंस ऑफ वॉर्म्स एंड इन्फेस्टेशन ऑन क्लोथ पर्सन, इसको क्या बोलते हैं इन्फेस्टेशन, क्या बोलते हैं इन्फेस्टेशन, ये स्कीम है याद रखना है। उज्जवाला किसके लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, उज्जवाला किसके लिए, LPG के लिए ठीक है, L का डिफरेंस एक में A आ रहा है एक में W, ये हमें याद रखना है ठीक है। उसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।